नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडियन न्यूज और मैं प्रांजल जी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। जम्मू के टाडा कोर्ट में वर्चुअली पेश हुआ यासीन मलिक। अलगाववादी नेता आतंकी यासीन मलिक को आज जम्मू के टाडा कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया गया। यासीन मलिक को 1990 में वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या के मामले में पेश किया जाना था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने यासीन मलिक को जम्मू ना भेजने की हाईकोर्ट से अपील की थी, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर दिया। हालांकि आज यानी कि बुधवार को यासीन मलिक को वर्चुअल मोड पर कोर्ट में पेश किया गया और अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। यासीन मलिक एंड एसोसिएट्स, दे आर फेसिंग द ट्रायल हियर। तो कुल 10 मुलजिम है इसमें, यासीन मलिक इसमें मुख्य आरोपी है। तो वो आगे वर्चुअल मोड पर पेश हुआ, उसको पिछले डेट पर स्पेशल जेल टाडा ने प्रोडक्शन वारंट निकाला था, लेकिन सुपरिंटेंडेंट प्रिजनर जो सेंट्रल जेल नंबर 7 है तिहाड़ जेल का, उनने एक रिक्वेस्ट लिखा था यहाँ पे, क्योंकि उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है एनआईए केस में। तो उसका अपील उन्होंने देयर असेल दैट जजमेंट फॉर एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट एंड टू बी कन्वर्टेड इनटू डेथ सेंटेंस बिफोर द ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट। उस वजह से हमें आदेश है उसको दिल्ली से हम मूवमेंट नहीं कर सकते। इसी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण मामले के मुख्य आरोपी यासीन मलिक को टाडा कोर्ट ने शारीरिक रूप से जिरा करने की मंजूरी दे दी है। यासीन को 20 अक्टूबर को जिरा करने के लिए तिहाड़ जेल से जम्मू लाया जाएगा। आपको बता दें कि बुधवार को रुबिया सईद को टाडा कोर्ट में पेशी पर बुलाया गया और उनके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासीन मलिक समेत 9 आरोपियों को पहचान के लिए पेश किया गया। मल्लिकार्जुन खागरे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। जम्मू के कांग्रेस ऑफिस में मनाया गया जश्न। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खागरे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। सोमवार को हुए चुनाव के नतीजे आज यानी बुधवार को आ गए, जिसमें मल्लिकार्जुन खागरे को 7,897 वोट मिले, जिसके बाद उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। मल्लिकार्जुन खागरे के अध्यक्ष चुने जाने पर जम्मू में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। शोपियां में मजदूरों की हत्या के 48 घंटों में सुरक्षा बलों ने लिया बदला, आतंकी इमरान बशीर ढेर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्करे तायबा का हाइब्रिड आतंकी मुठभेड़ में मारा गया। हाइब्रिड आतंकी को शोपियां में एक ग्रेनेड विस्फोट में 2 मजदूरों की मौत के बाद गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान यह आतंकी मारा गया। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार हाइब्रिड आतंकी के खुलासे के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बल लगातार छापेमारी कर रहे थे। शोपियां के नौगाम में अन्य आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर गानी गोलाबारी में मारा गया। घटनास्थल से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। लद्दाख के खादुंगला दर्रे में खाई में गिरी जीप, 4 लोगों की मौत। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान दिल्ली निवासी मोहम्मद फिरोज, रियाज अहमद और आजम खान तथा उत्तर प्रदेश के रहने वाले जिशान अहमद के रूप में हुई है। एक ही पुलिस अध्यक्ष ने बताया कि हादसा खादुंगला टॉप पर बर्फबारी के कारण हुआ, जिसके कारण वहाँ फिसलन बढ़ गई थी। उन्होंने बताया कि आपदा मोचन बल के साथ साथ पुलिस दल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बचाव अभियान शुरू किया। आतंकियों का महिमा मंडल करने वाले इंटरनेट मीडिया हैंडलर के घर एसआईए की तलाशी। कश्मीर में जिहाद व अलगाव को सही ठहराने में सक्रिय एक इंटरनेट मीडिया हैंडलर के घर प्रदेश जांच एजेंसी यानी एसआईए के एक दल ने तलाशी ली। मंगलवार को तलाशी के दौरान उसके घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप के अलावा कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एक इंटरनेट मीडिया हैंडल पर बीते कुछ समय से लगातार आतंकियों और अलगाववादियों का महिमा मंडन हो रहा था। 3 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, आज गुजरात से दौरे की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दौरों की शुरुआत आज गुजरात से की, जहां उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम का मकसद भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं के प्रदर्शन पर केंद्रित रहा।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पूर्वी गुजरात में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बन रहे एयरबेस की आधारशिला भी रखी।